हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल कलाम क्लासेस में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर का जो भी यहाँ पर सिलेबस है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपके होंगे और प्रति सप्ताह मीन्स पर वीक, जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पर कि पर वीक क्या उसका यहाँ पर प्लान होता है और उसको कितना क्रेडिट दिया गया है, इंटरनल असेसमेंट एंड एक्सटर्नल असेसमेंट क्या है, यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट क्या है और एक्सटर्नल असेसमेंट मार्किंग क्या है और उनका सम मीन्स टोटल कितना होता है, इस पर कुछ चर्चा करनी है बेटा, यहाँ पर कुछ डिस्कशन करना है। जैसा कि आपको पता है बेटा कि आपने 4 वीक मीन्स 4 वीक का मीन्स 4 सप्ताह की आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होगी जिसका सर्टिफिकेट आपके पास होगा। आपने 4 वीक की मीन्स 4 सप्ताह की जो ट्रेनिंग की है जिसका सर्टिफिकेट आपके पास है, उसी बेस पर आपका एक्सटर्नल वाइवा मीन्स प्रैक्टिकल होता है। 30 मार्क्स सॉरी 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, इसमें इंटरनल असेसमेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बेटा आपका एक्सटर्नल असेसमेंट होता है जिसके मार्क्स कितने होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं। ओके, सेकंड आपका जो सब्जेक्ट है वो है आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मीन्स IMED। IMED यहाँ पर आपने देखा होगा कि L फॉर लेक्चर है, T फॉर ट्यूटोरियल एंड P फॉर प्रैक्टिकल। सो IMED के प्रति सप्ताह 5 लेक्चर हैं, कितने 5 लेक्चर हैं जिसको क्रेडिट 4 दिया गया है, इंटरनल असेसमेंट की बात करूँ तो 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, मीन्स आपका जो भी टेस्ट होते हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं, आपको इसमें 20 मार्क्स का टोटल हो गया इंटरनल असेसमेंट एंड 50 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल असेसमेंट है, मीन्स आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा जिसकी टाइमिंग ड्यूरेशन 2.5 आवर मीन्स 2.5 घंटे के समय में आपको 50 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना होगा जिसके मार्क्स कितने हैं, 50 हैं। ओके, 50 मार्क्स आपके मार्क्स एक्सटर्नल एंड 20 एक्सटर्नल मीन्स ओवरऑल आपके पास 70 मार्क्स का IMED पेपर होता है। IMED का जो मार्क्स यहाँ पर हैं ओवरऑल कितने हो गए आपके, 70 मार्क्स का पेपर होता है। नेक्स्ट अगर बात करो यहाँ पर सब्जेक्ट की तो आपका है थ्योरी या मशीन, बड़ा थ्योरी या मशीन में 5 आपकी लेक्चर होते हैं जिसको टॉम के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, टॉम के नाम से जानते हैं थ्योरी ऑफ मशीन, जिसमें आपके 5 लेक्चर हैं, 2 आपके ट्यूटोरियल हैं, प्रैक्टिकल कोई भी नहीं है, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, जिसको क्रेडिट कितना 6 दिया गया, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल मीन्स टेस्ट होगा और 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा जिसकी ड्यूरेशन 2.5 आवर होगी, जिसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, 2.5 आवर मीन्स 2.5 घंटे में आपको 50 नंबर के पेपर हल करना होंगे, 50 और 20 कितने हो गए, 70 मार्क्स आपके यहाँ पर 70 मार्क्स का थ्योरी या मशीन का पेपर हो गया। ओके, नेक्स्ट अगर बात करो यहाँ पर तो आपका सब्जेक्ट है बेटा यहाँ पर नेक्स्ट है आपका मशीन डिज़ाइन, कौन सा मशीन डिज़ाइन जिसको MD इन शॉर्ट में MD के नाम से जाना जाता है। मशीन डिज़ाइन में 5 आपकी लेक्चर हैं, 2 आपके ट्यूटोरियल हैं, इसमें भी कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, इसको भी क्रेडिट कितना 6 दिया गया, कितना इसका क्रेडिट यहाँ पर बेटा 6 यहाँ पर क्रेडिट दिया गया है। 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है एंड 50 मार्क्स का एक्सटर्नल पेपर है जिसकी टाइमिंग 2.5 आवर है, 20 प्लस 50 कितना हो जाता है आपका ये 70, मीन 70 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है मशीन डिज़ाइन का। सिमिलर बात करो यहाँ पर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की, नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इसको इन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PT, क्या कहेंगे आप, PT। PT में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है इसमें 6 आपके क्या यहाँ पर है बेटा लेक्चर हैं, 6 लेक्चर और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल इसी में ही है, 8 कितने हैं, 8 आपकी लाइव होती हैं जिसको क्रेडिट कितना, 7 क्रेडिट दिया गया। 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, ओके, 20 मार्क्स का आपका इसमें क्या होगा यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट होगा,
ओके। और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल इसमें होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। 20 मार्क्स का इंटरनल प्रैक्टिकल होता है इसमें। सो 20 और 20 मिलकर 40 कितने हो जाते हैं, 40। एंड 50 मार्क्स का आपका क्या होता है बेटा यहाँ पर, 50 मार्क्स का आपका होता है पेपर। क्या होता है आपका यहाँ पर, 50 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल पेपर होता है और 50 ही मार्क्स का आपका होता है प्रैक्टिकल। 50 ही मार्क्स का आपका क्या होता है प्रैक्टिकल होता है। तो ओवरऑल 140 मीन्स सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको पीटी में ही देखने को मिलेंगे, 140 मार्क्स का आपका टोटल पेपर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके पास है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट जिसको इन शॉर्ट में पीएम के नाम से जानते हैं। पीएम में 4 आपके यहाँ पर लेक्चर होंगे प्रति सप्ताह और 2 प्रैक्टिकल हैं जिसको क्रेडिट 4 दिया गया। 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है मीन्स टेस्ट होता है। 10 मार्क्स का आपका इंटरनल टेस्ट भी होता है आपका यहाँ पर मीन्स वाइवा टाइप का होता है इंटरनल वाइवा। 30 मार्क्स आपके ये हो गए। एंड 50 मार्क्स का आपका बेटा पेपर होगा एक्सटर्नल पेपर जिसकी टाइमिंग क्या होगी, 2.5 आवर। और 20 मार्क्स का आपका होता है वाइवा, 20 मार्क्स का आपका होता है वाइवा यहाँ पर जो हो गए आपके 70 एक्सटर्नल 70 एंड 30 इंटरनल, ओवरऑल आपके हो जाते हैं 100। कितने मार्क्स का आपका पेपर है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, 100 मार्क्स का आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट पेपर होता है। ओके, ये आपके पास सब्जेक्ट है। एंड लास्ट आपका सब्जेक्ट बेटा होगा AE। लास्ट आपका सब्जेक्ट कौन सा है AE, AE का मीन्स होता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जैसा कि आपने देखा होगा AE, AE में यहाँ पर कितने 4 लेक्चर हैं और 4 इसके प्रैक्टिकल हैं। 4 लेक्चर हैं, 4 प्रैक्टिकल हैं जिसको क्रेडिट भी 4 दिया गया। 20 मार्क्स का आपका यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट है यहाँ पर मीन्स 20 मार्क्स का आपका क्या होगा टेस्ट होगा, 10 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, 30 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट में आएंगे, 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा जिसकी टाइमिंग 2.5 आवर होगी और 20 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल वाइवा होगा। मीन्स यहाँ पर 30 मार्क्स आपके इंटरनल हो गए और 70 मार्क्स आपके एक्सटर्नल हो गए, दोनों को जोड़िए कितना आपका जाएंगे यहाँ से 100। मीन्स 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है AE जिसका नाम है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। और या फिर आप ये यहाँ पर कहीं पर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है तो कहीं पर एयर कंडीशनिंग है, ओके, कहीं पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस फर्स्ट होगा, इन सभी का यहाँ पर सेम प्रोसेस रहेगा। सब्जेक्ट आपके पास या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो या एयर कंडीशनिंग हो या रिपेयर एंड मेंटेनेंस फर्स्ट हो, इन सब में यहाँ पर क्या 100 मार्क्स का पेपर होता है, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। और SCA जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड मीन्स अप टू आपके पास 4th सेम तक आपको 30 मार्क्स मिले हैं, अगेन आपको 30 मार्क्स आपके रहेंगे SCA के, SCA के कितने रहेंगे 30 मार्क्स रहेंगे। ओवरऑल आपका 630 मीन्स 630 मार्क्स का आपका जो है वो 5th सेमेस्टर का पूर्णांक होगा। ओके, मैक्सिमम मार्क्स जो है 5th सेमेस्टर के कितने होंगे आपके 630 मार्क्स होंगे। सो ये प्लान था आपका 5th सेमेस्टर का। ओके गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम में नए वीडियो के साथ में, नए जोश के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, थैंक यू।